कांग्रेस ने पद प्रतिज्ञा यात्रा निकाली और महंगाई को लेकर भाजपा सरकार को जमकर कोसा। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विनीत पराशर वाल्मीकि ने कहा कि यात्रा आवाम को बताएगी कि भाजपा ने अपना कोई वादा पूरा नहीं किया है। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा करके सत्ता में आई भाजपा सरकार में किसानों की आय सबसे निचले पायदान पर चली गई। आवारा पशुओं से आज प्रदेश का किसान परेशान है। डीजल, पेट्रोल, कीटनाशक, खाद की महंगाई ने आवाम की नींद हराम कर दी है। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो प्रदेश के 20 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देंगे। महिलाओं को सरकारी पदों पर 40% आरक्षण प्रदान करके उनकी नियुक्ति करेंगे। गंभीर बीमारी में 10 लाख तक खर्च सरकार उठाएगी। पूर्व अध्यक्ष आदर्श मिश्रा एवं संगठन के उपाध्यक्ष ठाकुर अनिल सोलंकी ने कहा कि वे अनुरोध करते हैं कि कांग्रेस का साथ दिया जाए। कांग्रेस चुनावी प्रतिज्ञा हर हाल में निभाएगी। हमारी वजह यह है कि जब जब भाजपा शासन में आई है, कमर तोड़ महंगाई लाई है। हमारी जो आदरणीय प्रियंका जी हैं, उन्होंने जो मांग मांग रखी है, उन्हीं के निर्देशन में हम लोग पूरे प्रदेश में ही पद यात्रा का कार्यक्रम चल रहा है। और मेन उद्देश्य है कि भाजपा इस देश से भगाया जाए, और जब भाजपा चली जाएगी तो इस देश में अमन चैन सारी व्यवस्थाएं अपने आप सुदृढ़ हो जाएंगी। और अभी जो प्रतिज्ञाएं ली हैं, जैसे जो ग्रेजुएट जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, उनके लिए 40% टिकट देंगी। और जो ग्रेजुएट लड़कियां हैं उनके स्कूटी देने का वादा किया है, स्मार्ट फोन देने का वादा किया है, पेंशन, वृद्धा पेंशन 1,000 प्रति माह देने की घोषणा की है। किसानों के लिए जो गेहूं है, गेहूं उसका जो है मिनिमम रखा है कि उनको जो 2500 कम से कम मिनिमम होना चाहिए गेहूं और धान की कीमत। और जो कोरोना काल है उसका जो जो बिल है वो माफ होगा।